मानते कि इम्पॉसिबल है, लेकिन ये चैलेंज हम दिखाएंगे कि इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, आज हम जीने वाले 24 आवर्स विदाउट फोन। जिंदगी में तो फोन एक नेसेसिटी बन गई है, जहाँ फोन के बिना तो लाइक ऐसा लगता है कि दुनिया ही खत्म हो गई, हमारा दिल ही हमसे छीन लिया। और आयु है जिसको 24 घंटा गाना सुनना पसंद है, वही सबसे मेरा मतलब दोस्त क्या मेरा गाना ही सब छीन लेंगे। आज मम्मा एकदम पीस में है, बोलेंगे आज का दिन सबसे ज्यादा अच्छा दिन है कि आज उनका रियल संडे होगा। बच्चों से फोन छीनना सभी माँ बाप का सपना होता है, फोन ले भी लिया कब का हमसे, तो हम लोग का तो चैनल तो शुरू ही हो गया है, कब का शुरू हो गया है। तो नाउ लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो, उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करना, सभी साथ शेयर करना एंड जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो अभी टाइम आ गया है इससे बाय बोलने का, लो पहले आप इसका लो फिर मेरा लो मुझे। अरे यार कितना ध्यान रखना, ठीक है मुझे पता तुझे मेरी बहुत याद, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो हम लोग शुरुआत के सबसे पहले बुक पढ़ के, बुक पढ़ रहे हैं हम लोग बिकॉज अच्छा लगता है, हम दोनों बुक पढ़ने वाले लोग हैं, नॉवेल पढ़ते हैं। तू कब से बुक पढ़ने वाले हो गए भाई? अरे मैं भी तो पढ़ती हूँ ना हर रोज, रात को सोने के पहले 5 मिनट 10 पेजेस पढ़ती है। लेकिन फोन के बिना करेंगे क्या, मतलब हम लोग यूजुअली कई चीजें किया जा सकते हैं, हम लोग गेम्स खेल सकते हैं। अरे होमवर्क तो गेम्स भी तो फोन में ही होते हैं। मैं बोर्ड गेम्स की बात कर रही हूँ। हमारे घर में कौन से बोर्ड गेम्स हैं? हम लोग यूजुअली बोर्ड गेम्स ही खेलते हैं। देखो लूडो फोन में आ गया, चेस फोन में आ गया, हर लिटरल गेम बोर्ड गेम्स फोन में आ गया, अब हम लोग करें क्या उससे? So guys, जैसे ही बुक पढ़ रहे थे और बोर हो रहे थे और पक रहे थे, मम्मा ने बोला कि अब ये बुक तुम लोग नीचे रखो, दूसरी बुक पढ़ो जिसमें लिखा कुछ ना हो। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, इस प्रकार की बचकाना बातें, मतलब कुछ दो शब्द लिखे ही होंगे लेकिन पिक्चर ज्यादा हो, समझ में नहीं आता आखिर ये है कौन। तो हम लोग ने काफी सालों बाद हमें एल्बम खोल के देखने वाले हैं, सो लेट्स बिगिन, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूं हमारी बचपन की मेमोरीज अनफोल्ड करने, क्योंकि मतलब मेरे पास मैंने ज्यादा अपने बचपन की प्यारी सी आई बहुत इमोशनल है। तो हमारे घर में 2-3 फोटो फ्रेम भी है ना, मैं उसको घूरती रहती है, बोलती है कि मैं बच्ची थी तो मेरे को तो पता है कि ये हम लोग थोड़ा सा मतलब जमाने के थोड़ा मेरी चिप्स भी तेरे से बोल रहे हम लोग बोर होते हैं ना, तो आदमी का दिमाग कहाँ जाता है फ्रिज में, चल छुट्टी। तो मम्मा ने बोला तुम लोग मेरा फ्रिज वाला खोल खोल के इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट मत करो, तुम लोग ये लो चिप्स यही ठूसो, कितना भी खाए फूका ही रहता है। चलो लेट्स बिगिन। तो फ्रंट पेज पे लिखा है अनुष्का आयुष्का, तेरे मेरा नाम लिखा है, वेरी गुड मम्मा। ए पूरा आयुष्का उपाध्याय लिखा, तेरा फुल नाम लिखा है, तो इस फैमिली की है ही नहीं। कुछ बदला नहीं, अभी भी रात को यस्टरडे रात को भी मुझे सोने नहीं दे रही थी, 12 बजे तक मजा आया। इधर ये देख हम लोग कैमल पे बैठे हैं, ये पापा है, पापा बड़े मजे से अनु बैठी है, डर भी नहीं रही है। अरे कितनी चुन्नू सी है पापा के सामने, इन्नू सी है पीछे बैठी है, पापा एकदम अलग लग रहा है, ऐसे पापा को मैं पहचान ही नहीं पाती, कितनी चुन्नू सी है तू। ये देखो मैं रोती ही क्या रहती हूँ हर जगह, सेम कलर सेम सब।
इस फोटो में मैं सो रही हूँ और आयु रो रही है, और इसका बदला लेने के लिए इसमें ये सो रही है और मैं रो रही हूँ। और ये तो ये जो था एक चुप बहुत मतलब मम्मा बताती है कि कैसे मतलब करेगा और ऐसे, तो ये चुप होते बड़े मुश्किल से चुप करके मैं चल जाती हूँ, तो रोना मतलब बहुत मुश्किल होगा। हम लोग मनाली गए थे, इस फोटो में हम लोग मनाली गए थे, आइस मैंने पकड़ा था, मेरा चेहरा देख जल्दी फोटो लो जल्दी फोटो लो, स्माइल कितनी प्यारी थी, मेरा अधिक रहते भी ठंडा सा लग रहा है वहाँ। सो अभी यहाँ पे हमारे ये मेमोरी है, एल्बम देख के तो मेमोरी है, हमारी बरई हुई थी, बरई मतलब क्या होता है बच्चे होते तो कुछ होता है भाई, तो उसी में पापा ने रखा वो भैया चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के। ये लिटरली हमारे ट्विन के कपड़े हैं, हम दोनों ने ट्विन्स के कपड़े पहने, ये पहचान नहीं पाओगे कौन आई है कौन अनु है। सो गाइस अभी तो हम लोगों ने काफी मेमोरीज रिफ्रेश कर दी, अब टाइम थोड़ा सा साइकिलिंग करते हैं, थोड़ा सा अपने माइंड को रिफ्रेश करते हैं। साइकिलिंग यूजुअली हम लोग करते थे लेकिन बहुत हार्डली करते हैं, चल ना यूजुअली हम लोग साइकिलिंग करते हैं, हम लोग गाना सुन के साइकिलिंग करते हैं, बट आज फोन नहीं है तो फिर हमें गाने के बिना टेक्निकली गाना सुन के साइकिल नहीं चलते। ये क्या बात करते हैं यार। साइकिलिंग करके बहुत ज्यादा मजा आया, लाइक हम लोग इतने सालों बाद निकले हैं साइकिलिंग करने, लाइक हमेशा यूजुअली नीचे बस पड़ी रहती है, हम लोग साइकिलिंग नहीं करते कभी। अरे आते भी तो सिर्फ वॉक वॉक फुटबॉल खेलता हूँ, हार्डली होता था क्योंकि हम लोग फोन में बिजी रहते थे, या तो स्कूल के काम से या तो कुछ। आज फोन छीन लिया गया था, आज हम खुद नीचे आ गए, लाइक चलो लेट्स साइकिल इन दिस फ्रेश एयर, काफी अच्छी हवा भी चली, बाल पूरे उड़ रहे थे। हाँ और हम लोग अभी मतलब घर जाके बहुत मजे करने वाले हैं, इतना अनुभव करवा रहा है। बहुत काम कर सकते हैं जैसे फोटो खींचना मतलब गाना सुनना, जब भी बाहर जाते मेमोरी तो बनानी होती है, तो मेमोरी बनाने काम आता है, रील्स बनाना, अपने दोस्तों के साथ शो ऑफ करना कि हम लोग बाहर आए हैं, बातें करना अपने दोस्तों से। तो अभी हम लोग वो समझ कर रहे हैं, तो अभी बताओ नॉर्मल इंसान जब नीचे आते तो करते क्या, खेलते साइकिलिंग करते, हमने दोनों कर लिया, तब हम क्या करेंगे, गेम्स खेलते हैं वो अरे जो वो उड़ उड़ चिड़िया उड़ खेलते हैं, चल कुछ भी चिड़िया उड़ आयु उड़ तेरा बहुत उड़ाती हूँ, मजा आ रहा है आज, लाइक फोन के बिना भी काफी अच्छी लाइफ चल रही है, इतना सुंदर है। मैं बता दूं आयुष्का ने आज जो अपने आपको कंट्रोल किया फोटो इतना प्रिटी सनसेट था, एंड देन उसके बाद मैं भागी फोन लेने, बट देन फिर फोन ही नहीं हुआ। सो गाइस फाइनली 24 आवर्स ओवर हो गए, एंड अभी टाइम में हमें हमारा फोन को देखने का उसकी शक्ल, लेकिन कैसा लगा ये तो बताओ। हम लोग को ऑब्वियसली टाइम मिला अपने फैमिली से टाइम स्पेंड करने का, मतलब भाई के साथ टाइम स्पेंड करना यूजुअली तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन क्या है ना और टाइम मिला, जैसे कि जिस टाइम पे हम लोग फोन में हम लोग काफी प्रोडक्टिव एंड फन मिल रहा है एक्चुअली, हम लोग टाइम पास करके बहुत साथ में खेले, बहुत याद तो आई, बट लाइक हां जैसे कि फन मोमेंट्स कैप्चर करना, वो अपने दोस्तों से बात करना, वो बहुत याद आई मुझे फोन से। सही बात है, आज हमारी जिंदगी फोन के ऊपर निर्भर हो चुकी है, बिना फोन के हम एक सेकंड नहीं रह सकते हैं, हम 24 घंटे रह के रहे हैं। हाँ वही, क्योंकि सारा काम आजकल फोन पे ही होता है, और यहाँ तक कि 2 साल से जो पैंडेमिक का समय था इसमें बच्चों की पढ़ाई भी फोन की वजह से हो पाई, वरना नहीं हो पाती। तो मैं ये नहीं बोल रही कि फोन बुरा है, फोन अच्छा है, बट उसको आप सही इस्तेमाल करो तो फोन हमारे लिए बहुत अच्छा है, फोन से बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, लेकिन अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करते हो तो फोन बहुत बुरा भी है। तो आप बताना आपको कैसा लगा ये चैलेंज, आप एक दिन बिना फोन के रह सकते हो और कैसा फील करोगे, और अगर आप ये वीडियो फोन में देख रहे हो अपने तो लाइक करो, सभी का शेयर करना, दिखाना जो लोग बोलते ना अरे मैं तो फोन के बिना एक दिन भी रह सकती, सो आप भी हमारे चैनल को 2 सब्सक्राइबर्स के बाद मिलेंगे, सो मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।